कप्तान हो तो रोहित शर्मा जैसा, बल्लेबाज हो तो रोहित शर्मा जैसा, फील्डर हो तो रोहित शर्मा जैसा और एंटरटेनर हो तो रोहित शर्मा जैसा। अब ये सब चीज़ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कानपुर टेस्ट में रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा किया जिसमें उनका जो पूरा दिन है टेस्ट मैच का, एक पूरा दिन रोहित शर्मा के नाम रहा तो गलत नहीं कहेंगे। सबसे पहले रोहित शर्मा ने फील्डिंग में एक ऐसा कैच पकड़ा था जिसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि कोई सुपरमैन हवा में उछककर लंबी छलांग मारकर जिसने कैच ले लिया हो। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए तो भाई साहब बांग्लादेश को कूट दिया, तोड़ दिया, बवाल मचा दिया, भौकाल ले आए। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने वो एक छोटी सी पारी खेली ना, उसे देखकर पूरा कानपुर खुशी से गूंज उठा। तो कानपुर टेस्ट के चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जहां पर बांग्लादेश 233 रन पर ऑल आउट हुआ, पर उससे पहले रोहित शर्मा ने लिटन दास का एक शानदार कैच पकड़ा था मोहम्मद सिराज की बॉल पर, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा की जब बल्लेबाजी आई तो भाई साहब उस बंदे ने अपनी उस पारी की शुरुआत पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर कर दी, और फिर अगली बॉल पर भी उन्होंने एक शानदार दंदना तो छक्का मारा। इसके साथ ही रोहित शर्मा टेस्ट मैच की पहली दो गेंदों पर छक्के लगाने वाले पहले ओपनर बन गए। तो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रोहित शर्मा का नाम एक बार फिर से दर्ज हो गया। अब खालिद अहमद की शुरुआती दो गेंदों पर दो छक्के जड़ दिए, वो पहले ओपनर हैं और ऐसे वो चौथे खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ रोहित शर्मा सिर्फ 23 रन बना पाए थे, पर इस 23 रन की पारी में ना जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की थी वो अप्रतिम थी, जिसे देखकर हर कोई कह रहा था कि भाई ये तो रो बॉल का समय है। क्योंकि साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल वो भी बहुत अटैकिंग खेल रहे थे, और इंडिया ने इस तरह से पारी की शुरुआत की थी मानो 3-4 ओवर में बांग्लादेश ने अपने जो सारे फील्डर्स हैं वो बाउंड्री पर पहुंचा दिए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई वनडे या टी20 क्रिकेट चल रहा हो, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरह से अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, यशस्वी जायसवाल जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, और उसके बाद आए सारे बल्लेबाजों ने, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे आकाशदीप हो, सब ने रोहित शर्मा की उसी पाथ को, उसी राह को फॉलो किया और टीम इंडिया 52 रन की लीड लेने में कामयाब हो पाए। और इसके साथ ही टीम इंडिया ने कई सारे इतिहास रचे, जैसे कि टीम की तरफ से सबसे तेज 50, टीम की तरफ से सबसे तेज 100, 150, 200, 250। ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में टीम के हिसाब से सबसे तेज है जो आज भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ करके दिखाया। पहले रोहित शर्मा ने कैच पकड़ा शानदार, उसके बाद तगड़ी बल्लेबाजी की, कैप्टनसी शानदार रही, और एक ऐसा मैच जो लगभग ड्रॉ की तरफ जा रहा था उसमें रिजल्ट दिख रहा है ऐसा रोहित शर्मा ने कमाल कर दिया। तो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की हर कोई तारीफ कर रहा है, रोहित शर्मा के कैच की हर कोई तारीफ कर रहा है, और रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी वो तो भाई साहब लाजवाब थी। जिस तरह से फील्ड सेटिंग, जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस, ऐसा लग रहा था कि मानो रोहित शर्मा आज पूरे फॉर्म में है और वो किसी भी तरह इस टेस्ट मैच को जीतना चाहते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि 5वें दिन रिजल्ट क्या आएगा।